आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शनिवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरक्षनाथ का किया पूजा अर्चना। मंदिर पहुंच ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने जनपद सहित प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि व दशहरा की दी शुभकामना। सभी के सुख समृद्धि की कामना। जनपद में चल रही विकास कार्यों की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सभी कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। विजयदशमी पर निकलने वाले शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो शातिर वाहन चोरों अनुराग निषाद व दीपू निषाद को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का चार मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम स्थित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम का उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया निरीक्षण। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से महानगर के नागरिकों को यातायात नियम का पालन करने का दिया संदेश। गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजयदशमी के दिन 4 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा की रूट का जिलाधिकारी कृष्णा करूर ने ईश्वर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पूरे अमले के साथ किया निरीक्षण। कहा, शोभा यात्रा एवं जुलूस तथा त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने के लिए संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। साहबगंज से प्रतिबंधित प्लास्टिक का गांठ लेकर खलीलाबाद ले जा रहे युवक से 42 किलो अवैध पॉलीथीन को राप्ती नदी के पुल पर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने किया जब्त। 5,000 रुपए का लगाया जुर्माना। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा, लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया पौधारोपण। कहा, रविवार को जनपद के दो धार्मिक स्थल बुढ़िया माता मंदिर व तरकुलही माता मंदिर पर चलाया जाएगा सफाई अभियान। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने महिवा स्थित कान्हा उपवन का किया निरीक्षण। कान्हा उपवन की व्यवस्था को बताया उत्तम। कहा, कान्हा उपवन के कम्पोस्ट खाद तथा गोबर गैस प्लांट की तरह योजना को पूरे प्रदेश में करेंगे लागू। नवरात्रि के छठवें दिन गोरखनाथ मंदिर में मां कात्यायनी की गई पूजा आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद किया गया प्रसाद का वितरण। एक अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रचार वाहन को एडिशनल सीएमओ डॉक्टर ए.एन. कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रचार वाहन पूरे जनपद में घूमकर संचारी रोगों के प्रति लोगों को करेगा जागरूक। और भारतीय डाक विभाग द्वारा स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डाक विभाग के कर्मचारियों ने स्वेच्छा पूर्वक किया ब्लड डोनेट। कहा, लोगों की सेवा के लिए डाक विभाग हमेशा रहा है तत्पर।